हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप अपने गूज़बम्प्स रोक नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी है 1971 इंडो पाक वॉर की, जब भुज की 300 महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर की थी भारतीय वायुसेना की मदद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियो और भी मिलती रहे। यू कैन स्टे मोटिवेटेड और विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है 8 दिसंबर 1971 की रात की, जब भारत पाक युद्ध के दौरान भुज में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्रिप पर सेबर जेट विमान के एक दस्ते ने 14 से अधिक नापलम बम गिराए। इसकी वजह से यह एयर स्ट्रिप टूट गई और भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया, पर समय तेजी से गुजर रहा था और मजदूर बहुत कम थे। ऐसे में भुज के माधापुर गांव से 300 गांव वाले अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना की मदद के लिए आगे आए, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं थी। मन में देशभक्ति लिए वे सभी अपने घरों से निकल पड़ी थी। ये उन सभी गांव वालों की असाधारण देशभक्ति ही थी कि उन्होंने क्षतिग्रस्त एयर स्ट्रिप का काम 72 घंटे के अंदर अंदर पूरा कर दिखाया। उन साहसी महिलाओं में से एक महिला बलबाई सेघानी ने बताया कि वे उस समय खुद को एक सैनिक जैसा ही महसूस कर रही थी। और 9 दिसंबर 1971 को वायुसेना की मदद के लिए जाते वक्त उन्होंने एक बार भी अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा और मन में देशभक्ति लिए चल पड़ी एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए। बलबाई बताती है कि हम करीब 300 महिलाएं थी जो अपने घर से सिर्फ ये निश्चय करके निकली थी कि हमारी वायुसेना फिर से उड़ान भरेगी और यदि स्पीच उनकी मौत हो जाती है तो वो भी एक सम्मानजनक मौत ही होगी। इन सभी महिलाओं को मोटिवेट करने में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त एयर स्ट्रिप को ठीक करना बहुत मुश्किल काम था। सभी नागरिकों की जान को हर वक्त खतरा था। जब भी भारतीय वायुसेना को पाक बॉम्बर के अपनी तरफ बढ़ने की शंका होती तो एक सायरन बजाकर इन नागरिकों को सावधान किया जाता था और सभी तुरंत भागकर झाड़ियों में छुप जाते थे और एक छोटा सा सायरन इस बात का संकेत होता था कि काम वापस शुरू कर सकते हैं। बलबाई बताती हैं कि पहले दिन कड़ी मेहनत के बाद उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ा था। दूसरे दिन पास के एक मंदिर से फल और मिठाई खाने को मिली, जिससे कि तीसरे दिन काम करने में उन्हें बहुत मदद मिल पाई और चौथे दिन शाम 4 बजे एक भारतीय लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी, जो कि एक बहुत गर्व का क्षण था और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी गई। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ बिना किसी शर्त के भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए और भारत की इसी जीत का जश्न हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बलबाई बताती हैं, भारतीय सेना की मदद करने के लिए उन्होंने अपने 18 महीने के बेटे को अपने पड़ोसियों के यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त भारतीय वायुसेना के जवानों को उनकी ज्यादा जरूरत थी। बलबाई सेघानी और उनकी साथी हीराबेन भादिया बताती हैं कि आज भी हम में वही जज्बा है और सेना की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। इन सभी महिलाओं के वीरतापूर्ण कार्य के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उपहार और सम्मान देना चाहा, तो इन सभी महिलाओं ने ये कहकर मना कर दिया कि हमने जो किया वो हमारे देश के लिए था और यदि इस बीच हमारी मृत्यु भी हो जाती तो वो भी एक सम्मानजनक मौत ही होती। और फिर 2018 में केंद्रीय सरकार ने भुज के माधापुर गांव में वीरांगना स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक इन बहादुर देशभक्त महिलाओं को समर्पित किया है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे राहुल, आर्मी की वैकेंसी कब निकल रही है?